नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल खाने की तैयारी चल रही है। दाल हमारी ये देखिए, फ्राई दाल बनाइए। अब दाल ये देखिए, मैं आपको पर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, तो उसे दाल बनाई है, चावल वही बनाई है। वो देखिए कुकर में, बस अभी जस्ट अभी गैस बंद किया, टमाटर की चटनी में बना रही है। प्याज व्याज कट के हमने कट करके दे दिए हैं। ये देखिए, तो वो बस डाल के बना लेगी। और सुबह तो आपने देखा ही, परवल आलू का हमने भुजिया बनाया था, बनाने वाली थी। मटर आलू भुजिया इन लोग को टिफिन में देने वाली थी, तो वो लोग टिफिन ना मतलब नहीं ले गए। रोटी भुजिया बोले कि जो हमने मैदा का ठेकुआ बनाया था ना, वही वो लोग ले गए और रोटी खा के गए, तो इसीलिए भुजिया बच गया। भुजिया है तो हमने रहने दो। मटर आलू की सब्जी देखते हैं, रात बनेगी तो रात को बना लेंगे। अरे हम रोटी बना रहे हैं, ये देखिए। हाँ तो चलिए बना लेते हैं रोटी। फिलहाल अभी ठेकुआ हम छान लिए, देखिए काफी दिन से खाने अपने। तो फ्रेंड आप भी खाइए बिहारी रेसिपी ठेकुआ। तो फ्रेंड देखिए मटर आया, पहले का मटर भी रखा, फिर लेते हैं। कैसे बना, एक सब्जी खत्म होता है, एक सब्जी बंद है। बैगन है देखिए, चोखा वाला बैगन। एक रो बना दे लेते हैं। अच्छा लेते चोखा गुड है। यो है जो कहे लाते हैं हमारे तेरे को बैगन का भरता किसे जैसे पसंद है। अरे धनिया पत्ता लटक गया, बताइएगा जरूर। देखिए क्या बनता है। मन सुस्त हो गया, अभी शाम बाहर लिए भगवान जो दिया दे खा लिए। दिया दे खा के कपड़ा सारा छत पर से ला के। हाँ देखिए कैसे कपड़ा फेंका, सरियाते सरियाते फोल्ड करते करते पड़ता आता है कपड़ा, ये फेंकता ही। नितिन है, नितिन छोटा वाला। 216 रुपया दाम था, 15 था किया। तो फ्रेंड उसे देखिए पास्ता बनाने में लगी है, उनको पास से दिखाते हैं। अरे हटो भाई, देखिए इन लोगों को कब पास्ता खाने का मन कर जाए, कब चाउमीन खाने का मन कर जाए, कब बर्गर खाने का मन कर जाए। ये बना ले, इसके बाद हम अपना खाना बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। आउच, तो ये हमने आलू बैगन और टमाटर को हमने कुकर में एक सीटी लगा दिया था, यहाँ भी रखते हैं। और ये देखिए मिर्च प्याज लहसुन धनिया पत्ता सब हमने कट कर लिया है। फिलहाल अदरक नहीं है क्योंकि बैगन के चोखा में अदरक पड़ता है, तो काफ़ी टेस्ट बनता है। और ये कढ़ाही में भून के बनाएंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, काफ़ी टेस्ट अच्छा होता है ऐसे भी बना। और ऐसे खाने का मन करता है तो जैसे प्याज नहीं डालेंगे, फिर अदरक घस के ये हरी मिर्च लहसुन और अदरक सब मिक्स कर देंगे ऐसे कच्चा। जब ऐसे खाने का मन करता है चोखा, जब लिट्टी बनती है आग पर का ना, गोईठा पर का, तब ऐसे बनता है। और ये फिलहाल रोटी के साथ आज खाना है इसको, तो भूज के बनाऊंगी पास्ता का। ये बना के कढ़ाई खाली कर ली, उसके बाद पता नहीं लाइट का है इसे। हाँ अब ठीक आ रही है, देखिए उधर वाला लाइट जला दी। निकालो निकालो जल्दी।
उसी कढ़ाई में हम बना रहे, थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, बस थोड़ा सा जीरा डाल दिए, लहसुन डाल दिए, साथ में हरी मिर्च डाल दिए। सब मसाला डाल दी, बस सूखा हुआ धनिया, गोल मिर्च का पाउडर, जीरा भुना हुआ तो ऊपर से डालेंगे, टमाटर डालेंगे, वो जो बैगन और टमाटर हमने तो ये देखिए फ्रेंड, जो जला हुआ घी का निकलता है ना, यहाँ तो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुके, दाढ़ी यहाँ बोलते हैं इसको, हम लोग की तरफ इसको सिड्डी बोलते थे जला हुआ को, सब जहाँ अपना अपना भाषा है। तो खैर जो भी हो, काम होने से मतलब है। तो ये देखिए हमने पानी डाल के खौला दिया, तो ये हमारा एक, ये दो बार का है, इस जैसे आज का हो गया जो घी निकाले और एक पहले का है, तो दोनों, अब थोड़ा सा था इसलिए नहीं करती थी, अब एक साथ इतना हुआ तो उसको निकाल देती हूँ। अब मैंने क्या मलाई ज़्यादा जमा भी नहीं करते, दे देते हैं कभी बच्चों लोग के, इनको दे देते हैं खाने के लिए दूध में डाल के, तो इसीलिए बस देखिए कितना निकलता, ज़्यादा रहता है ना तो ज़्यादा निकलता है। उसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करके, जो भी होगा जम जाएगा थोड़ा बहुत जो भी रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड घर का भी हाल, सब झाड़े हैं पूरा, ये डलिया झाड़े हैं पूरा, नीचे का अनुहार, ये जो पटरा रखे वो झाड़े हैं, अब बस गैस पोछना है, इंडक्शन पोछनी है, और ये अनमारी जो है ये पूरा साफ कर दी अंदर, और ये कुछ साफ करना है बस, पोछ देंगे साफ, तो ये शीशा पोछ देंगे, अंदर का ये जो बना प्लास्टिक बिछा है ये पोछ देंगे। अब कितना खा खा के बर्तन हो जाता है, देख लीजिए बर्तन लग रहा है कि मैं इसका बर्तन हमें धोने वाले हैं, इतना बर्तन ही धोख लगेगी, बस सारा जूठा उठा के गाय को देंगे। तो ये देखे कर, अब इसमें जूठा रख दिए हैं, अब सारा में जूठा बर्तन पहले धो लें, उसके बाद मांजेंगे। सब जूठा भी इकट्ठा कर दें। तो फ्रेंड बर्तन तो धुल गया है, देख लीजिए कितना सारा बर्तन है, देखिए सब बड़ा बड़ा ऊपर है, छोटे छोटे नीचे, इधर थाली सारा खड़ा कर दिए। अब यहाँ पे झाड़ू मार के अच्छे से धो देते हैं, रात को तो झाड़ू नहीं मार चाहिए, लेकिन क्या करें, काफ़ी चपत्ती झूठा तो सारा फेंका है, ओह तो सोना। तो चलिए आज जो हम गैस उस पोछे कपड़ा धो रहे थे, क्योंकि कल गुरुवार है, कल कपड़ा तो नहीं धोएंगे, देखिए स्टैंड का सारा बर्तन वहाँ चला गया। तो चलिए धो लेते वहां पर। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं एंडिंग करते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। बच्चे पार्टी सो गए, निकल जा रहा है, जा रहे इनको थोड़ा सा, काफ़ी थक के आए हैं, कुछ काम था बाहर गए थे, थोड़ा सा पैरों में मालिश कर दे। तो चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो चलिए दूध है जो फ्रिज में रख दें, वरना बिल्ली पी जाएगी।
ये देखिए, और ये जो घी का है ये रख देते हैं फ्रिज में। हाँ सो फ्रेंड, एक बोलना था हमें, जैसे चोखा, जो बैगन का हमने चोखा बनाया था यानी भरता, उस समय वीडियो में बनाते बनाते हमारा आ गया था कॉल उस मोबाइल पे, इसलिए नहीं बनाए। तो बस मसाला तो जो आपके सामने डाल दी थी, पता है हम तो देखे भी नहीं डाले थे कि नहीं, तो जो भी मसाला डाल दिए थे वही गोलकी जीरा का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हरी मिर्च लहसुन सबका तो हमने सबको तड़का दिया था। उसके बाद बैगन डालने के बाद थोड़ी देर बस मसाले में भुनी थी, फिर उसमें से जीरा पाउडर डाल के थोड़ा देर के भुनी, धनिया पत्ता डाल के बस निकाल दिया और रोटी के साथ उनको दे दिया था खाने। तो बस यही था, फोन आ गया था इसलिए हम उस समय वीडियो नहीं बना पाए। तुम सोचे बता दे, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन क्या करें कॉल आ गया था। तो चलिए तब तक बाय।